हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अधेश राणा आज फिर हाजिर हूँ एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कमर दर्द यानी कि लंबागो। कमर दर्द जो है किन किन कारणों से होता है और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होगी, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप सबका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कमर दर्द जो कि आजकल एक कॉमन समस्या हो चुकी है लोगों के साथ, खासतौर से जो लोग वर्किंग होते हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जिन लोगों की लाइफ सेडेंटरी होती है उनमें थोड़ा कम देखा गया है। तो दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो कि हमारे इस कमर दर्द से संबंध रखती है, ये किस तरह से बनी होती है। ये रीढ़ की हड्डी जो है मुख्यतः जो है इसमें डिस्क होते हैं, वर्टिब्री होते हैं, लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं और मसल्स होते हैं, और इनके बीच में जो है हमारी नर्व निकलती है। इन सब से मिलाकर के ये रीढ़ की हड्डी बनती है। लेकिन अगर किसी तरह का कोई इसके साथ इसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसके कारण जो है कमर का दर्द शुरू हो जाता है। कमर का दर्द जो है शुरू होने के मुख्यतः कई कारण होते हैं, लेकिन इसमें जो है सबसे पहला कारण जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हड्डियां खोखली हो जाती हैं और उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और विटामिन डी लेवल काफी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। दूसरा कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, और जिसकी वजह से जो है इतनी कमी हो जाती है कि ये हमारे वर्टिब्री जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं, उन पे असर पड़ने लगता है, और जिसकी वजह से इन वर्टिब्री के ऊपर जो है एक डिस्क होता है। ये डिस्क जो है इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो कभी कभी ये बल्ज आउट करके बाहर की तरफ आ जाते हैं, या जिनको कि हम हर्निएशन बोलते हैं, या फिर डिस्क पे कभी कभी ज्यादा असर पड़ने की वजह से डिस्क कमजोर हो जाती है और वो प्रोलैप्स कर जाती है, जिसको कि हम प्रोलैप्स ऑफ डिस्क कहते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ये वर्टिब्री आपस में जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी कमर के हड्डियों को हिलाने में बहुत दिक्कत होती है और दर्द का महसूस करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये दर्द इतनी ज्यादा क्यों होता है। क्योंकि इन हड्डियों के बीच से जो है नर्व निकलती है, और उस नर्व पे इनमें से किसी में भी कोई दिक्कत होती है तो उस पे प्रेशर पड़ता है और उस नसों में दर्द होता है। खास तौर से कई सारी नसें होती हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः जो है सियाटिका नर्व जो है ज्यादा हमें परेशान करती है। सियाटिका एक अलग बीमारी होती है, जिसके बारे में मैंने एक अपना अलग डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, और उसका लिंक जो है मैं आप सबको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगला कारण क्या होता है कमर दर्द का। अगला कारण जो होता है ट्रामा, यानी कि हमारे कमर के दर्द में किसी तरह की चोट लग जाए तो भी हमारे कमर में दर्द होता है। वो चोट जो है हम दिन रात जो काम करते हैं, या हैवी वजन उठाते हैं, या देर तक कुर्सियों पे बैठ के काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है उसकी वजह से कमर पे चोट लग जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अब इसके साथ जो है दो कारण और होते हैं जो कि महिलाओं में पाए जाते हैं। सबसे पहला कारण होता है लिकोरिया और मेंसेज। अगर इनमें किसी तरह की अबनॉर्मेलिटी हो, खास तौर से अगर किसी लेडीज को लंबे समय से लिकोरिया है, तो उसको कमर की प्रॉब्लम यानी कमर में दर्द बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ अगर किसी महिला को मेंसेज की अबनॉर्मेलिटी है, या उसके डेट जो है सही टाइम से नहीं आती है, तो उसको भी जो है कमर दर्द होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और अब हम बात करते हैं कि इसका होम्योपैथिक इलाज क्या हो सकता है। होम्योपैथिक इलाज में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको हमेशा दर्द रहता है, आप काम करें या न करें हल्का हल्का दर्द बना रहता है, तो ऐसे में आप जो है रस्टाक्स और अर्निका 200 की पोटेंसी में एक एक बूंद सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। लेकिन इस हल्के दर्द के साथ अगर आपने कोई काम कर लिया, या हैवी वजन उठा लिया,
या आपके कमर में मोच आ गई, तो इसके साथ जो है आप रूटा और बेलिस पेरनेसिस मेडिसिन जो है आप जोड़ दीजिए। रूटा और बेलिस पेरनेसिस जो मेडिसिन है इसमें बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन हमारी आती है ऑक्जैलिक एसिड। अगर हमारे कमर में दर्द के साथ साथ कमर में सुन्नपन रहता है तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं तीसरी मेडिसिन जिसमें कि सीपिया की हम बात करेंगे। सीपिया खास तौर से लेडीज की में जो है अच्छा रोल अदा करती है, जिसमें कि ऐसी लेडीज जिनको कि बच्चेदानी की कोई बीमारी हो और उसके साथ कमर का दर्द हो तो आप सीपिया 200 में आप दे सकते हैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। इसके साथ अगर आपको गठिया है और गठिया के साथ आपको जो है कमर में दर्द रहता है जिसकी वजह से बहुत तेजी से दर्द होता है तो उसकी जगह आप जो है सिमी सुगा 200 में ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। अगर आपको जैसे ही चलते हैं और आपके कमर का दर्द बढ़ जाता है और ज्यादा देर तक चलते फिरते हैं या कमर को हिलाते हैं और दर्द जो है आपको फिर नहीं महसूस होता है तो ऐसे में आप जो है कैल्केरिया फ्लोर और रस्टाक्स ये दो मेडिसिन 200 की पावर में एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हिलने से या किसी तरह के मूवमेंट से आपके कमर में दर्द बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में आप ब्रैनिया 200 में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप दिन भर काम किए और रात को आप अपने बिस्तर पे सोने गए तो कमर का दर्द शुरू हो जाता है, तो सोते वक्त अगर आपका कमर दर्द महसूस होता है तो ऐसे में आप नक्सोम का 200 एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। दोस्तों ये कुछ दवाएं थी कमर दर्द से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इससे आराम पड़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप अपने कमर का जो है एक्सरे लंबर रीजन जो है या फिर सीटी लंबर रीजन सीटी स्कैन करा सकते हैं और करा करके रिपोर्ट जो है आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए और वो अच्छी तरह से इस बात को समझेंगे कि ये कमर का दर्द क्यों हो रहा है। डिस्क में प्रॉब्लम है, वर्टिब्री में प्रॉब्लम है, या कोई नस दब रही है, या कोई हड्डी आपस में फ्यूज कर गई है, जुड़ गई है, क्या है, तो उसका वो एक पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाएंगे और आपका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन से आपका बहुत ही अच्छा इलाज हो जाएगा और ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपसे कमर से रिलेटेड जितनी भी होम्योपैथिक दवाइयां थी उनमें से कुछ दवाइयों को आपके साथ शेयर किया और मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही से उम्मीद करता हूं कि आप इस मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।